इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई से रिलेटेड 5 मेजर चेंजेस के बारे में बताऊंगा और ये चेंजेस आपको इसी साल में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसी नए साल में आपको ये सारे रूल्स देखने को मिल जाएंगे या फिर मिल चुके होंगे। बट अभी भी काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो यूपीआई इस्तेमाल तो करते हैं बट उन्हें इन सारे रूल्स के बारे में पता नहीं है। अगर आप लोग यूपीआई यूज करते हैं पेमेंट लेने के लिए या देने के लिए या फिर पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर अगर आप लोग शेयर मार्केट वगैरह करते हैं तो इन 5 यूपीआई रूल्स के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट की। देखिए पहला जो रूल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है हर एक यूपीआई यूजर्स के लिए। अगर आप किसी भी नए नंबर पर 2000 रुपये से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी नए नंबर पर, तो वैसे में उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में यानी कि सक्सेसफुल होने में 4 घंटे का टाइम लग जाएगा और अब आप उन 4 घंटों में अपने ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई या फिर कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो रूल्स है वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। पहले क्या होता था, शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट करते थे तो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते थे और वहां पर से वो पैसा ऑर्डर प्लेस किया जाता था, मतलब उस पैसे के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया तो उस पैसे को फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता था आपके ब्रोकरेज अकाउंट में और उस ब्रोकरेज अकाउंट से पैसे कुछ दिनों का टाइम लगता था आपके बैंक अकाउंट तक आने में, ये प्रोसेस था। लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से डायरेक्टली आप लोग यूपीआई के थ्रू शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रोकरेज की झंझट खत्म हो गई, ठीक है। डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट से पैसे इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया तो वैसे में आपका जो पैसा है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये काफी गजब का अपडेट, गजब का रूल्स है जो मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रूल्स आपको कैसा लगा। देखिए नेक्स्ट जो रूल्स है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हॉस्पिटल में फीस पे करना चाहते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में फीस पे करना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि आप किसी भी हॉस्पिटल में मान लीजिए एडमिट है तो वहां पर आपका जो चार्ज बनता था 1 लाख रुपये से ज्यादा तो आप डायरेक्टली यूपीआई से ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, या फिर अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसे पे करना चाहते थे, फीस पे करना चाहते थे तो आप 1 लाख तक ही कर पाते थे। बट अब जो है 1 जनवरी 2024 के बाद आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू 5 लाख तक किसी को मतलब हॉस्पिटल में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5 लाख तक डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि यूपीआई की जो लिमिट है अब 1 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख तक की इंक्रीज कर दी गई। ओके, तो ये काफी गजब का अपडेट है। अब नेक्स्ट जो अपडेट है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो SIP वगैरह यूज करते हैं या फिर जो इंश्योरेंस ले रखे हैं। पहले क्या होता था कि आप लोग यूपीआई के माध्यम से इंश्योरेंस का जो पेमेंट है 15,000 रुपये तक कर सकते थे या फिर आप SIP में 15,000 रुपये तक पेमेंट कर सकते थे एक बार। लेकिन अब जो है यहाँ पर 1 जनवरी 2024 के बाद आप यूपीआई के थ्रू लाइक रिकरिंग जैसे SIP हो गया या फिर आप इंश्योरेंस ले रखे हैं तो उसका जो पेमेंट हो गया अब आप लोग 1 लाख रुपये तक UPI के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि 15,000 से बढ़ा करके अब जो है UPI की लिमिट जो है वो 1 लाख रुपये कर दी गई। अब नेक्स्ट जो रूल्स है यानी कि अपडेट है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीआई पे लेटर यूज करते हैं। जी हाँ, देखिए दरअसल होगा क्या कि 1 जनवरी 2024 से अब अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, मतलब रुपया नहीं है, तो भी आप यूपीआई पे लेटर के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंक देगी 45 डेज के लिए एक क्रेडिट टाइम लाइन, वो भी इंटरेस्ट फ्री, मतलब कि 45 दिनों तक आप बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे यूज कर सकते हैं और 45 दिनों के अंदर अंदर आप उस पैसे को यूपीआई पे लेटर में ट्रांसफर कर दीजिए, पेमेंट बिल पे कर दीजिए, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करना नहीं होगा। तो ये रूल्स काफी गजब का है हर एक यूपीआई यूजर्स के लिए, मुझे तो काफी अच्छा लगा। वैसे आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा इन 5ों में से कौन सा रूल्स आपके लिए काफी बेटर होने वाला है और कौन कौन से अपडेट, कौन कौन से रूल्स आपको देखने को मिल गए हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।